तो फ्रेंड्स ये देखिए मदर चिमी का पराठा बनने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये देख सकते हैं मेरा मटर अच्छे से पीस गया, ये देखिए। सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कोई अच्छे ही होंगे और खुश भी होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग के 7:30 और अभी हम लोग सो करके उठ गए हैं और ये सुबह उठते ही फोन चला रहे हैं। क्या बोले, आजकल का जमाना ही खराब है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं जरा बोलिए। क्या बनाएंगे? दलिया। यस, आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम लोग का दलिया। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है हमारा दलिया एंड दोपहर के लंच में आज हम लोग बना रहे हैं धनिया पत्ता की चटनी, जो कि हम लोग दोनों का फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग का 10 बज चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो सोचे ज़्यादा टाइम तक खाली पेट रहना सही नहीं है। तो अभी हम लोग नाश्ता हम कर रहे हैं। नाश्ते में क्या है हम लोग का? दलिया। तो फटाफट हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा आलू और गोभी का मसाला तैयार हो रहा है। गोभी मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। पहले आलू को अच्छे से फ्राई, मसाला मस्त करके इसको मिलाते हैं, वरना गोभी और आलू साथ में, गोभी ज़्यादा था इसलिए साथ में फ्राई नहीं किए, क्योंकि फिर गोभी गल जाता और आलू ऐसे ही रह जाता। तो मेरा गोभी का सब्जी बन के अभी रेडी है। सो फ्रेंड्स अभी तक हम नहाए नहीं इसलिए क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी और सोचे कि खाना बना कर ही नहाए की बार और फ्रेश फ्रेश खाना खाए, है कि नहीं? हम नहीं नहाए, हम खाना बना रहे, नहीं नहाए चलता है। आप कहीं नहाए नहाए पता नहीं। अरे देख रही मैं कितना एलोवेरा जल लगाए फेस में, इसलिए नहीं नहाए। फ्रेंड्स आपको बता नहीं रहे, मैंने बता दिया। और अभी हम मिक्सर में बनाने जा रहे हैं धनिया पत्ता का चटनी। धनिया पत्ता का चटनी हम सब कुछ इसका ना रेडी करके रख लिए। ये देखिए आप इसी तरह खाएंगे कि आप पिसा हुआ खाएंगे? पिसा हुआ खाएंगे, वो हम कल ऐसे ही खाएंगे। अरे आदमी है, जानवर थोड़ी है। तो फटाफट हम इसको पीस लेते हैं क्योंकि इधर तो लाइट कटता ही नहीं, इसलिए आराम से पीसते हैं। सब्जी हम लोग को बन रहा है और इधर धनिया पत्ता की चटनी पिसा रहे हैं। नीम आलू बन के रेडी है एंड उसके बाद हम बना रहे हैं भिंडी और आलू का भुजिया। फाइनली फ्रेंड्स नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं और दोपहर हो चुका है। सुबह में तो हम लोग नाश्ता वास्ता कर चुके थे, अभी लंच का तैयारी कर रहे हैं। लंच में देखते हैं हमारा क्या बना हुआ है। क्या है मेरा लंच में? धनिया पत्ता का चटनी है और आलू नीम का भुजिया है। अच्छा, आलू नीम का भुजिया है, धनिया पत्ता की चटनी है और भात है, गोभी का सब्जी एंड आलू एंड गोभी का सब्जी है, फूल गोभी का सब्जी है, सैलेड और सलाद है मेरा। क्या मजा आ जाएगा एकदम खाने में, वाह। 6.5 hours later. Finally friends, हम लोग हरा मटर को छील करके रख लिए और आज हम पहली बार रेडी, आज हम पहली बार मटर का पराठा बनाने जा रहे हैं। आप कभी खाए मटर का पराठा? क्या बनाने जा रही है? मटर पराठा। मटर पराठा नहीं, नहीं बनाया हूँ तो बनाओ फटाफट। तो आज हम फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं, आपको पता है फर्स्ट बार। ओके तो फिर बनाओ, फोकस करो अपना। यस, तो इतना छील के रख ली, इतना का हम लोग का बहुत पराठा बन जाएगा। तो फटाफट चलते हैं, इसको हल्का हल्का धोते हैं और हल्का गर्म पानी से थोड़ा सा बॉईल करते हैं, देन उसको फ्राई करके उसके बाद उसको मिक्सर में ग्राइंड करते हैं। उसके बाद जैसे नॉर्मल शायद आलू भर के जैसे पराठा बनता है ना, सेम वही प्रोसेस है, बस देखते हैं कैसा बनता है कैसा नहीं। अगर खराब बनेगा तो कुछ बोलेंगे नहीं ना, खराब बोलेगा तो अच्छा बोलेंगे फिर भी। क्या बुरा तो बोल नहीं सकता, इसलिए तारीफ तो करना बनता है ना। क्या क्या मैंने सही बोला ना फ्रेंड्स, खराब बने या अच्छा बने लेकिन तारीफ होगा अच्छा का ही। तो फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं और मिस ना करें हमारे ब्लॉग को और स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए मदर चिमी का पराठा बनने के लिए रेडी हो रहा है। इसमें एकदम एक चम्मच से भी कम ऑयल लगा क्योंकि इसमें सिर्फ हमको रोस्टेड करना है। तो इसको हम फ्लेम थोड़ा लो कर देते हैं 1000 में। उसके बाद इसको हम धीरे धीरे करके ऐसे ही भूनते रहेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए
इसमें हल्दी और नमक डाल दिए हैं। लगभग लगभग ये हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देते हैं फटाक से। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए दे देते हैं, क्योंकि ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद इसको पीसेंगे। काफ़ी मुशक्कत के बाद मेरा मटर छीमी एकदम अच्छे से ग्राइंड हो गया। इसको हम पहले उला लेंगे हल्का फ्राई करके। पीसने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें एक्स्ट्रा जो पानी रहता है वो पानी नहीं निकलता है। तो हम इसको पहले हल्का बॉयल किए, उसके बाद हल्का उसको फ्राई कर लिए। हल्का फ्राई करना है, पूरा फ्राई नहीं करना। उसके बाद इसको दरदरा पीस लेना है। उसके बाद इसका बनाते हैं पराठा, देखते हैं कैसा बनता है कैसा नहीं। अब चलते हैं इसको भरने के प्रोसेस में। तो ये देख सकते हैं मेरा मटर अच्छे से पीस गया। ये देखिए दरदरा पीस लें, और हम अभी एक तैयार किए हैं और दूसरा ये भर रहे हैं। एकदम लग रहा है कोई मिठाई का रेसिपी है। तो अच्छा लग रहा है, तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। हाँ, फाइनली गाइस हमारा बन रहा है पराठा, मटर का पराठा, मटर का पराठा। पता है इसको फटा नहीं और इसमें पानी भी नहीं निकला, पता है? अच्छा, पूरा ड्राई वाला बनाई है। हाँ, बहुत मेहनत, मतलब कि एक दो तीन मतलब कोशिश करने के बाद ऐसा बना है। चलो ठीक है, अभी तो ये कर रही गुली बना रही है, बाद में गुली। अरे आटा का लोई बना रहे हैं। व्हाट इज गुली? क्या बोली? आटा का लोई। आप तो जानते नहीं होंगे, हम लोग गुली बोलते हैं। अब तुम लोग गोला बोलते हैं। गोला क्या बोला? फटाफट हम लोग मजा कर रहे हैं, प्लस इधर पराठा भी बना रहे हैं एंजॉय के साथ। हम लोग का कुकिंग भी चल रहा है क्या? एकदम मजे से, मजे में रहो क्या? यस। तो दोस्तों बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मटर का पराठा, ये तीसरा पराठा है शायद। हाँ, तीसरा पराठा है। कितने अच्छे से बिलाया है और एक भी फटा नहीं है। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा खाना बन के एकदम रेडी हो चुका है। डाइनिंग टेबल में हम लोग बैठ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। ये देखिए मेरा है इधर पराठा है, मटर का पराठा, ग्रीन ग्रीन जो मटर रहता है ना, मटर छीमी कैसा? हाँ, मटर छिमड़ी का पराठा बनाए हुए हैं। छिमड़ी नहीं, छिमी। अरे तुम लोग छिमी बोलते, हम लोग छिमड़ी बोलते। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मटर छिमी का पराठा। आप तो जानते ही नहीं होंगे कि नहीं। प्लस फूल गोभी आलू का सब्जी है और धनिया का चटनी है और प्याज, सलाद में प्याज है। तो अभी हम लोग डिनर करते हैं अपना। क्या कैसा लगा? कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है ना? वाह, धनिया पत्ते की चटनी तो अच्छा लग रहा है, टेस्टी। क्योंकि दोनों ग्रीन ग्रीन हो जा रहा है इसीलिए। एकदम ग्रीन 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 टेस्ट आ रहा है, एकदम मस्त लग रहा है खाने में। फाइनली गाइस हमारा खाना हो चुका है। तैयार नहीं हुआ मेरा, तो हो गया है। मैं तुम्हारा थोड़ी बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी खाओ। खा के मजा आ गया, एकदम पेट भर गया। इसका पेट खाली है इसीलिए अभी भी खा रही है। मैं तो खा लिया हूँ देखो। अरे सही बोले हैं, देखो इसका पेट अभी भी खाली है इसीलिए खाते जा रही है। लबर 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 लबर, चप 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 चप, हो गया। अब खत्म। फाइनली गाइस ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? मिलते हैं नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में क्या? यस, तो गाइस मेरा खाना पीना हो गया, मेरा भी हुआ, तो भी हम बोल रहे मेरा खाना हो गया है, पीना भी हो गया और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यस, कितना अच्छा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन। आपको अच्छा लगता है मटर का पराठा? हाँ, क्या हूँ, टेस्टी लगता है ना? एकदम अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो लगता है इससे पहले हम उर्दू में बोले थे इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा।